यहाँ पे देखते हैं गाइस, मैंने 2000 2000 2000 2000 करके बहुत बार यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। अब गाइस क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल 0 रुपीज में, प्लस आपको जो भी ऑनलाइन एक्सपेंड करने पे कैशबैक या फिर रिवार्ड पॉइंट मिलता है वो भी आपको मिलेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गाइस क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की बहुत सी ट्रिक बंद हो चुकी है, काम नहीं कर रही है, तो मैं आपको न्यू ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे ट्रांसफर करना है, क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसा ट्रांसफर कैसे करना है, और प्लस आपको कैशबैक भी मिलेगा जो भी ऑनलाइन एक्सपेंड करने पे आपके क्रेडिट कार्ड में जो ऑफर रहता है, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है या फिर कैशबैक मिलता है। गाइस ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इसमें आप 1 महीने में 1,90,000 इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में बिल्कुल 0 रुपीज में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, आपको इसमें जरूरत पड़ेगी पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट का, तो पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट से आपको ट्रांसफर करना है। पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट अगर से आपके पास नहीं है तो पेटीएम मर्चेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद साइन अप कर लीजिए, इंस्टेंट आपका मर्चेंट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ प्रोफाइल आइकन पे, अब आपको इस पे क्लिक करना है मर्चेंट वाले पे, तो यहाँ पे मैंने मर्चेंट वाले पे क्लिक कर दिया है। अब आपको इस पे क्लिक करना है पेमेंट सोर्सेस एंड चार्जेस, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करने के बाद अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस ये पेज खुल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट एक्सेप्टेंस लिमिट, आप 1,90,000 हर महीने क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे UPI ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे वॉलेट भी सिलेक्टेड है, यहाँ पे देखते हैं क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन आपका ऑफ होगा तो आपको इसको ऑन कर देना है, और यहाँ पे इसका चार्जेस देख सकते हैं 2% का यहाँ पे चार्ज लगेगा, बट आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मैंने कैसे ट्रांसफर किया है, अभी मैंने रिसेंटली ट्रांसफर किया है क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है, तो उसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। इसको आपको ऑन कर लेना है, ऑन करने के बाद आपको बैक कर लेना है, यहाँ से मैंने बैक कर लिया है। अब आपको क्या करना है, स्कैन एंड पे पे क्लिक करना है। स्कैन एंड पे पे क्लिक करने के बाद आपको पेटीएम के मर्चेंट का QR कोड स्कैन कर लेना है। यहाँ पे देखते हैं गाइस, मैंने 2000 2000 2000 2000 करके बहुत बार यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे 2000 यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। और गाइस अगर से आप 2000 से ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो मे भी चार्ज लग सकता है, तो आप 2000 एक बार में ट्रांसफर करना तो आपका 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा, मैं आपको लाइव आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं पे पे क्लिक करता हूँ, मैंने पे पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है 2000 से ऊपर डाल देंगे आपको चार्ज लग सकता है। अब गाइस वहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ऑन किया था, यहाँ पे देखते हैं क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्रेडिट कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट और CVV डाल देना है, तो मैं ये सारा डिटेल डाल दे रहा हूँ अभी। गाइस मैंने क्रेडिट कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट और CVV डाल दिया है, अब मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ 2000 पे, अब ये क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। उससे पहले ये पॉपअप विंडो शो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आप इन्हीं को पे करना चाहते हैं, तो मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दे रहा हूँ, अब ये क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं OTP आ चुकी है, यहाँ से मैं OTP डाल दे रहा हूँ। गाइज मैंने OTP डाल दिया है, मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, देख सकते हैं डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज, यहाँ पे क्लोज और रिफ्रेश आपको नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा पेटीएम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2000 की पेमेंट सक्सेसफुल प्लेस हो चुकी है, मैं होम पे क्लिक कर दे रहा हूँ, मैंने होम पे क्लिक कर दिया है, और मैं आपको बैलेंस एंड हिस्ट्री में आपको जाके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2000 के पेमेंट किया है 12:33 पे, उससे पेमेंट में लिया था, यहाँ पे देखते हैं 12:12 पे पेमेंट किया था, और 12:23 पे ये रिसीव हो चुका है मुझे मेरे बैंक अकाउंट में। अगर से आपका पेमेंट सेटलमेंट जो रहता है पेटीएम में मर्चेंट वाले अकाउंट में, तो आपको उसको इंस्टेंट सेलेक्ट कर लेना है, अगर से आपको एक दिन वाला सेलेक्ट करते हैं तो आपको चार्ज लग सकता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेटलमेंट सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटलमेंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखते हैं इसमें आपका ये वाला सिलेक्ट होगा ऑलरेडी वंस अ डे, इस पे आपको सिलेक्ट होगा, तो आपको इंस्टेंट सेटलमेंट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी इंस्टेंट सेटलमेंट पे सिलेक्ट है। गाइज मैंने मर्चेंट वाले ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड का जब ऑन करते हैं तो उसमें 2% का चार्ज दिखाता है, तो अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कितना मुझे बैलेंस मिला है, मैंने 2000 सेंड किया था, 2000 मिला कि नहीं पूरा। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। गाइस पेमेंट आ चुका है, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 12:45 पे ये पेमेंट आ चुका है। असंभव, असंभव। और मैंने 12:33 क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसा ट्रांसफर किया था, तो 12 मिनट के बाद ये पेमेंट आ चुका है मेरा। और अगर से आपके पास SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, यहाँ पे मैंने 1,90,000 टाइप कर दिया है, अब मैं इसको
5% निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं 9,500 रुपए आपकी कमाई हो जाएगी। और अगर से आप इसका पेमेंट करते हैं चेक एप्लीकेशन से, तो उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके देख लेना। अगर से आपने चेक ऐप पे साइन अप नहीं किया है, तो उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे आपको चेक क्वाइन मिलेगा और कैसे आपको रिडीम करना है। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगा आपको। अब इसका 1% निकालते हैं, तो यहाँ से मैं कट कर दिया, यहाँ पे 1900 रुपए यहाँ से चेक एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा। तो टोटल हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 14,400 रुपए आपकी कमाई हो जाएगी एक महीने। अगर से आपके पास SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको कैसे अप्लाई करना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को देख के आप अप्लाई कर लेना। आपका 90% चांस रहता है अप्रूव होने का। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की लूट ऑफर पाने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की ट्रिक आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।